आज एक बार फिर देश भर में भारत बंद को लेकर के तोड़फोड़ हिंसा हो रही है, लेकिन मुद्दा अलग है और हिंसा वही है। 6 सितंबर को देश भर में SC ST एक्ट को लेकर के आगजनी हुई थी, तो ही आज फिर पेट्रोल डीजल की आसमानी छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने आज भारत बंद बुलाया है। और इस बार भारत बंद में लोगों के साथ साथ 21 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है, जिससे चारों तरफ आगजनी का माहौल बना हुआ है। इसके कारण सुबह से देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई। केरल और बिहार में लोगों ने नेताओं के साथ मिलकर ट्रेनें रोकी, जिससे यातायात में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। तो वहीं गुजरात के भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायरों को आग लगाकर बसों को रोक दिया। इससे आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में भारत बंद को लेकर के आक्रोश है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता की जेब पर इसका गहरा असर पड़ रहा है और सरकार इन बढ़ती कीमतों पर कुछ बोलने को राजी नहीं है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।